हाय, माय नेम इज सर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग यानी कि मेन की जो बेस्ट पर्सनालिटी होती है, जिसको निखार के बाहर आना चाहिए, वो है ग्रूमिंग। जो हमारे बीयर्ड की हो या फिर हेयर की, उसके हम ट्रिमिंग करते तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हम ज़्यादा देर तक लाइन में खड़े नहीं रह सकते शॉप में। तो पर्सनलाइज जो ट्रिमिंग या फिर ग्रूमिंग होती है वो हम इतने ज़्यादा संभाल नहीं सकते। लेकिन अब इसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ गया है, जो कि 9-in-1 प्रोडक्ट है, वो वेगा की ओर से आने वाला है और इसकी अनबॉक्सिंग और वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले। उसके फर्स्ट इंप्रेशन में उसको मैंने यूज़ भी किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्राइस है कि 778 रुपीज़ में पड़ा है। वो भी कैसे वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ जी गाइस, तो जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट इस चैनल पर आपको कितने भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, वो मैं खुद पर्सनली बाय करता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, उस पर कॉमेंट देखता हूँ, सब कुछ ट्राई करके फिर मैं सभी प्रोडक्ट को मंगवाता हूँ अपने खुद के पैसे से। ये कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं होता, तो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो मैं अपने पैसे से लाऊंगा ना, तो उसमें मुझे कमने के वाह वाह करने या फिर कमने के बुराई करने वो सब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मैं अपना बायस ओपिनियन दे सकता हूँ। इसलिए मैं सबको खुद खरीदता हूँ। और ये है वेगा की ओर से आने वाला 9-in-1 ट्रिमर, जो कि मल्टी ग्रूमिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे, तो अंदर हमें देखने को मिलेगा भाई। और अगर बात करूँ गाइस, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। देखो, क्योंकि जो दो प्रोडक्ट थे ना, वो अच्छी तरह से पैक थे, क्यों अंदर जो प्रोडक्ट है ना उसको कोई डैमेज ना हो। दो बॉक्स अंदर देखने को मिलेंगे, जो हम बारी बारी से एक एक देखेंगे। और यहाँ पर ओपन करने के लिए सबसे पहले, चलो जो पहला बॉक्स है ना वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन में आता है, और इसको मैंने खोला तो इतने सारे कॉम्स एंड अटैचमेंट देखने को मिले। सबसे पहले ये है ना, वो ट्रिमर है, जिसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की फर्स्ट इंप्रेशन बात करूँ ना, तो गाइस देखो बढ़िया है। मैं पहले इसके पहले MI का यूज़ कर रहा था, लेकिन MI से ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसके साथ इसमें अटैचमेंट भी है, जो कि इसका बहुत ज़्यादा हैवी है। हैवी का मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, प्लास्टिक की कोई ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे अटैचमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि आप अलग अलग अपने पूरे बॉडी के लिए ट्रिम कर सकते हैं। हाँ, तो अनबॉक्सिंग में तो आपने सब देखा, बट अगर मैं इसकी रियलिटी की बात करूँ ना, तो कुछ इस तरह से अंदर के पैकेजिंग में आता है। और मैंने अभी इसको यूज़ भी किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छा अंदाज़ा दे सकता हूँ। और हाँ, देयर इज इम्पोर्टेंट, ये ब्रशेस में मिलता है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन में ये मिलता है, देख सकते हो, पूरा ग्लॉसी है बट क्रोम मटेरियल है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब ये है ना, कोई मटेरियल मतलब मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, जो कि इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करो ना, प्लास्टिक होने के बावजूद भी जो कि बढ़िया है। यहाँ पर जो क्राउन वाला दिख रहा है ना, वो आपको बटन देखने को मिले, जिस कितने नंबर पर सेट करना है। इसके लिए यहाँ पर स्विच देखने को मिलते, जिसको एक बार ऑन करने पर यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलते है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। गाइस, आपको रियल टाइम में पता चलता रहेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा बैटरीज है। और यहाँ पर देख सकते हो, इस सब कुछ यहाँ पर इंडिकेट भी किया जाता है कि कितने बैटरी परसेंटेज है। इसके साथ इसमें और फीचर आता है कि आप इसको 30 सेकंड तक दबा रखते हो ना, तो ये लॉक मोड में हो जाता है। यानी कि अगर आप इसको कहीं ट्रैवल पे ले जाते हो, तो वो अंदर आपके बैग में ऑन नहीं होगा। इसको रिस्टार्ट करने के लिए आपको फिर से इसको 30 सेकंड तक दबा के रखना है, और ये कुछ इस तरह से इंडिकेट करता है, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें कॉम की बात करो तो बहुत सारे कॉम इसमें आते हैं, 0.1 to 10 mm और 11 mm to 20 mm तक यहाँ पर आप जा सकते हैं। बीएड का भी अलग आता है, जिसमें ब्लेड भी अलग देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ कुछ इस तरह से, इसमें बीएड की ब्लेड है, पूरी SS के ब्लेड है, जो कि ज़्यादा बहुत बढ़िया है। और साथ में भी इसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर रिव्यू की बात करूँ, मैंने इसको यूज़ किया तो किस तरह से मुझे लगा, तो जैसे मैंने इसको ट्रिम किया ना, तो ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा मुझे स्किन फ्रेंडली, मतलब समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता अपने स्किन को। कि जैसे कि आप बहुत सारे लो बजट के आते हैं ना, कि आपको जैसे आप डायरेक्ट इसको ब्लेड इसको लगाए कॉम के बिना यूज़ करते हो ना, तो थोड़ी लग जाती है, ऐसा कुछ दर्दर पिसा वो लगता है, तो वो इसमें नहीं लगेगा, आपको स्किन फ्रेंडली। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मैंने आपको बता दी, और कॉम की ये जो क्वालिटी है ना, वो मुझे बढ़िया लगी। इसके पहले मेरे MI का यूज़ किया था, लेकिन इसमें दो मेरे पास है और दोनों में एक ही प्रॉब्लम आई, कि इसका जो ये मटेरियल आता ना ब्लेड, वो टूट गया है, क्योंकि इसके साथ बिल्ड क्वालिटी में इश्यू होगा। बट बाय द वे, इसकी जो प्राइस है 778 रुपीज़, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपको स्पॉन्सर सब कुछ बता रहा हूँ, नो स्पॉन्सर एट ऑल। ये मैंने खुद यूज़ किया है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको ले रहा हो तो लो, नहीं लेना हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो, ठीक है ना। इसके बाद अगर आगे ये बात करूँ,
आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बो और वो सब तो देखने को मिलते हैं, एक टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने को मिलता है जो कि इसकी लेंथ भी बढ़िया है, और दिस वन ऑयल जिसको आपको अगर वहाँ पर इंडिकेट करता है कि भाई ऑयल की ज़रूरत है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इसमें और भी हेयर के भी कॉम्ब आते हैं दो जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ हमें और जो मटेरियल मिलते हैं वो ये एक नोज ट्रिमर जो कि आपके समझ में नाक के बालों के लिए, और ये है प्रीशियस ट्रिमिंग जिसको आपको शेप व करना हो, छपड़ी थोड़ा बनना हो, छपड़ी बनने के लिए नहीं, यहाँ पर भी आपको कुछ शेप लेना हो तो आप पीछे इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरह से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं फोकस। तो ये कुछ था इस वेगा ट्रिमर के बारे में। अब वेगा के नाम सुनते आप सोचो कि भाई कंपनी चाइनीज कंपनी, देखो सब चाइनीज है, मैंने चाइनीज हमें बिल्डिंग फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढना होता है ना, तो इसलिए, और आपके पास ज़्यादातर बजट हो तो फिलिप्स का ले लीजिए कोई भी प्रोडक्ट, वो भी बढ़िया रहता है। ये तो मैंने वैल्यू फॉर मनी के लिए हिसाब से आपको बताया बढ़िया रहता है, इस पर टैक्स भी देखने को मिलने वाला है जो कि अभी मैंडेटरी हो जाना चाहिए यार, बहुत सारे प्रोडक्ट में आता है और नहीं भी, लेकिन इसमें तो है, तो मुझे ये बढ़िया लगा। टाइप सी कहीं भी जाओ चार्जिंग हमें मिल जाती है, तो ये रन हम पूरा एक्सपीरियंस, और मैंने अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लाया था तो सेल के पहले ही लाया था, और अब मुझे यूज़ करते हुए कम से कम कितनी बार, 4 से 5 बार इसको मैंने यूज़ भी कर लिया है, तो मुझे पूरा इसका पता चल जाए कि इसके भाई क्या औकात, इसका पावर कैसा है, वो सब कुछ, तो ये बढ़िया काम करता है। डेली यूजेज में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, तो वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना, और इसका रिव्यू चाहते हैं तो कॉमेंट में जरूर बताना, 100 लाइक का इसमें टारगेट रखते हैं। मिलता और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। पसीना बहुत ही गर्मी ज़्यादा है तो हॉट के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, क्या करो सब्सक्राइब, बाय।